डायबिटीज या लेमन लैंग्वेज कॉमन, एक आम इंसान की भाषा में बोलूँ तो शुगर, बहुत कॉमन हो चुकी हैं बीमारियाँ ना, हर दूसरे घर में, हर मैं बोलूँ अपने घर में, हमारे रिलेटिव क्लोज वंस में ही बहुत मिल जाएगी देखने को बीमारी। क्यों आजकल इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ती जा रही है, इतने डायबिटिक पेशेंट हमें मिलते जा रहे हैं, क्या कारण है? एंड तक देखेगा मेरी इस वीडियो को, किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, शायद अपनी लाइफ की जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट आप स्किप कर सकते हो, जिस नॉलेज से आप अपनी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी खुशियाँ ला सकते हो। हाउ डू वी गेट अफेक्टेड विद डायबिटीज़? क्या रातों रात हमें कोई बीमारी आ जाती है, हम रात को सोए और सुबह हमें वो बीमारी हो गई, क्या ऐसा होता है? नहीं माय डियर फ्रेंड, बहुत डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या बॉडी में कमी हो जाती है जिस वजह से उसको डायबिटीज हो जाती है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो काम करना बंद कर देता है और क्यों करना बंद कर देता है, ये चीज़ें मैं डिटेल करूंगा। उसके बाद मैं सारा आपको बताऊंगा कैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को हेल्प कर सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से हम खाना खाते हैं, ये हमारी डाइट होती है, हम अपने घर में जो भी हम कंज्यूम करते हैं खाना, वो खाना जब हम खाते हैं, जब डाइजेशन प्रोसेस होता है हमारे स्टमक के अंदर, उस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन होता है उस फूड का, उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और फूड को ब्रेकडाउन के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है, फूड से ग्लूकोज बनाती है हमारी बॉडी, जिसको हम स्टेप नंबर वन कहेंगे। उस जब वो ग्लूकोज बनता है तो हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, हमारे ब्लड में जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज का लेवल अप होता है, हाई होता है जब हम कुछ भी खाना खाते हैं। पहले वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज से वो हमारी बॉडी में जब कंज्यूम ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो लेवल हमारे ब्लड के ग्लूकोज का अप होता है। उसके बाद जैसे ही हमारे ब्लड ग्लूकोज आता है हमारी बॉडी में तो वो ट्रिगर करता है, वो ऑर्डर देता है पेनक्रियास के सेल्स को कि भाई अब तुम इंसुलिन बनाना स्टार्ट करो। इंसुलिन बनाने से होता क्या है, इंसुलिन बहुत तरीके की हमारी बॉडी में फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, इंसुलिन हेल्प करता है ब्लड के ग्लूकोज को लेवल अप करने में। जब ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाती है तो इंसुलिन सिग्नल देता है लीवर को कि एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करके रखो और जब जरूरत पड़ी उसको रिलीज करो। तो ये काम होता है इंसुलिन का और ये प्रोसेस एक आम इंसान, एक जो नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी में ऐसी फंक्शनिंग चल रही होती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे एक डायबिटिक पेशेंट में क्या लैक हो जाता है, एक डायबिटिक पेशेंट में क्या कमी आ जाती है जिसकी वजह से उसको डायबिटीज कहलाई जाती है। हमारे पास पहले मैं बात करता हूँ फ्रेंड टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट कौन होता है? ये हमारा इस तरह से पैनक्रियाज होता है, जो रेड पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा पैनक्रियाज होता है, हमारा ह्यूमन ऑर्गन है जो स्टमक के पीछे वाले पार्ट में इसकी प्लेसमेंट होती है। अब पैनक्रियाज का काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया हमारे अंदर डाइजेस्ट हुआ खाना, डाइजेस्ट जब खाना होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसी तरीके से जब पैनक्रियाज सेल को ऑर्डर जाते हैं, पैनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन को बनाना, तो ऑल ओवर पैनक्रियाज ही सेल पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन को बनाने के लिए। लेकिन टाइप 1 जो डायबिटिक पेशेंट होता है, जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो कहीं ना कहीं इन इंसुलिन का, उसका शरीर इस इंसुलिन को बनाने में असक्षम हो जाता है, उसकी बॉडी इस इंसुलिन को प्रिपेयर नहीं कर पाती, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो इंसुलिन को प्रिपेयर कर पाए। एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी पैनक्रियाज की एबिलिटी ही खत्म हो चुकी है, अब उसका पैनक्रियाज के जितने भी सेल है वो इंसुलिन को बना ही नहीं पाते, और इस बीमारी को कहते हैं, एक आम इंसान के अंदर जब ये आ जाती है, दिक्कत होती है, उसे हम कहते हैं ये बंदा टाइप 1 डायबिटिक है। इसी तरीके से टाइप 2 डायबिटिक भी होते हैं कुछ पेशेंट, आप में से भी कुछ होंगे, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। इसी में ही ऐसे होता है जैसे पैनक्रियाज जो हम देख रहे हैं रेड पार्ट, उसका काम क्या है इंसुलिन बनाना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है टाइप 2 डायबिटीज में। वो क्या ट्विस्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन तो बनता है इसमें, इंसुलिन तो हमारी पैनक्रियाज बना रही है, इंसुलिन तो प्रॉपर बना रही है, लेकिन इंसुलिन का काम एक्चुअली बना तो हमारी बॉडी के लिए रही है ना वो इंसुलिन पैनक्रियाज सेल्स, लेकिन हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करना ही बंद कर देते हैं, हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करना कह सकते हो आप, उस पर रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं। तो एबिलिटी जो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ की होती है वो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी हमारी एबिलिटी लूज कर देती है, इंसुलिन जब प्रॉपर नहीं बन पाता या हमारी बॉडी उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, इसको कहते हैं, इन पेशेंट्स को कहते हैं टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। ओके, तो अभी तक मैंने आपको बताया टाइप 1 में क्या कमी होने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट कौन से होते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आपके साथ एक और अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट रखना चाहूँगा, इंडिया वर्ल्ड में सेकंड ऐसा कंट्री, ऐसा देश है जिसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं डायबिटीज पेशेंट। ऐसा क्यों? चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है। आज 20 साल के नौजवान पुरुष को भी डायबिटीज की शिकार हो चुका है, वो भी उसको भी इंसुलिन लेनी पड़ रही है। तो ऐसा क्या हो गया? कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये जेनेटिक बीमारी भी है, लेकिन क्या 100% पेशेंट तो जेनेटिकली नहीं आ रहे होंगे, है ना? क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है? क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीज़ों को? तो ये सारी चीज़ें आप, मैं बताऊँ आपको भी इन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं, अप टू 70% की डायबिटिक पेशेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से। अगर हम अपनी जिंदगी में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लें तो शायद हम उसको रोक सकते हैं, या डिले, जो डिले हो जाता है एक बीमारी को हम परखने में, जानने में, उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या?
हेल्दी लाइफस्टाइल शायद हम सुनते तो हैं लेकिन हम अपनी लाइफ में बरतना भूल गए हैं। एक हेल्दी फूड खाना, रोजाना एक हेल्दी फूड को कंज्यूम करना, मोमोज एक डाइट, एक तले हुए खाने पे हम डिपेंडेंट हो गया। तो रोजाना आप हेल्दी फूड का इस्तेमाल करो, ओके। साथ ही साथ एक्टिव लाइफस्टाइल, हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स पे डिपेंडेंट हो गए, हम पैदल चलना भी भूल गए हैं। ये सारी डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये सारे रिसर्चर्स कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिकल टेस्ट, हम जब बीमार होते हैं हम तभी क्यों एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम तभी क्यों अपने बॉडी चेकअप कराते हैं, हमें रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, चेकअप्स कराने चाहिए। और फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना, जिससे उन तक ये नॉलेज जरूर मिले। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ओके, जो भी ये सारी हम ये हेल्दी लाइफस्टाइल जो मैंने आपसे डिस्कस करा, जो भी मैंने टाइप 1 डायबिटीज डिस्कस करा, टाइप 2 डायबिटीज डिस्कस करा, वो तो कहीं ना कहीं बेटर है, ठीक है ना। इसके साथ हम बात करते हैं, आपके घर में न्यूट्रिशंस ज़्यादा है कि मेडिसिंस? यस, जो आप देख रहे हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप ही चाहिए जो आप ये वीडियो को देख रहे हो, एक बार अपने वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आपके घर में न्यूट्रिशंस ज़्यादा है कि मेडिसिंस। आपके घर में फ्रूट्स ज़्यादा हैं कि दवाइयाँ? अगर आपके घर में से न्यूट्रिशन हटा दे तो आपके घर वालों को ज़्यादा असर पड़ेगा कि मेडिसिंस को हटा दे तो ज़्यादा असर पड़ेगा? ये आपसे खुद का आपका क्वेश्चन है। तो आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की हम कंपनी की बात करेंगे, तो एलोवेरा कंपनी कहला जाती है। इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप डायबिटिक पेशेंट को कंज्यूम करवा सकते हो, ठीक है ना, कौन से प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर सकते हो, जो आप अगर शुगर है किसी को या डायबिटीज आप जिसे कह सकते हो, है ना, तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए, तो आज मेरी वीडियोज को अब ध्यान से देखना। पहला जो होता है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल हम कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट नंबर 1 जो आएगा, बहुत मार्वलस प्रोडक्ट कहला जाता है, प्लांट बहुत अद्भुत प्लांट कहला जाता है, ये पौधा बहुत गुणकारी पौधा है, क्योंकि आज नहीं पूर्वजों के ज़माने से, महात्मा गांधी के ज़माने से ये चीज़ें आती चलती आ रही हैं। अलेक्जेंडर द सिकंदर जो हम जाना करते हैं, महाराजा राजा हो करता जिसने पूरे देश पर राज किया था, पूरे विश्व सॉरी राज किया था, वो भी एलोवेरा का यूज़ किया करता था। 200 तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं इस एलोवेरा के अंदर, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें एक कह सकते हैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर लेके आते हैं। 75 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 12 विटामिंस होते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपने अंदर इस बॉटल के अंदर डाला है, और वर्ल्ड का बेस्ट फॉरएवर का एलोवेरा जेल कहलाया जाता है। अगर आपने एलोवेरा जेल लेना है तो वर्ल्ड का बेस्ट लीजिए। अब मैं कुछ एलोवेरा के फैक्ट्स आपके साथ और डीप में शेयर करना चाहूंगा। पहला एंथ्राक्विनॉन्स, एंथ्राक्विनॉन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एलोवेरा में पाया जाता है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंजाइल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी वायरल होता है, इंसेक्टिडल होता है। बहुत खूबियां एलोवेरा के अंदर जो पाई जाती है, वो उसमें से एक खूबी का नाम एक ब्रीफिंग करूँ तो एंथ्राक्विनॉन कहलाई जाती है। सेकेंड इसका नाम होता है लैक्टिंस। लैक्टिंस एक कार्बोहाइड्रेट बाउंडेड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी कह सकते हो आप एक शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफिंग बोलना चाहो तो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बाउंडेड प्रोटीन्स है। और तीसरा जो होता है ग्लूकोमैनन, ग्लूकोमैनन एक डाइट्री फाइबर है जो बहुत फायदेमंद। और ये तीन चीज़ें ऐसी जो मैंने आपको बताया, एंथ्राक्विनॉन, लैक्टिन और ग्लूकोमैनन, जो एक हेल्प करती है ब्लड शुगर को कम करने में, ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में डायबिटिक पेशेंट की, ठीक है ना। तो एलोवेरा जेल इसलिए कंज्यूम करना चाहिए आपको, और फॉरएवर वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा बनाता है एलोवेरा कंपनी कहलाई जाती है। वर्ल्ड में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है एलोवेरा में तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आता है। तो क्यों अगर लेना ही है तो बेस्ट ले, है ना। तो बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बोला है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला है कि एलोवेरा कंज्यूम करने से आपके अंदर डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे वो प्री डायबिटिक हो, तो बहुत फर्क दिखता है उसे। सेकंड प्रोडक्ट जो मैं बोलूंगा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो है फॉरएवर का गार्सिनिया प्लस। सेकंड प्रोडक्ट है ये आपके लिए, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद प्रोडक्ट आपके लिए रहेगा। इसका जो मेन कॉम्पोनेंट जो आप में रहता है, ये खासकर गार्सिनिया कंबोडिया से बनाया जाता है। और आपको अगर इसमें डिटेलिंग वीडियो भी चाहिए तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको डिटेल में इसके बारे में जानने को मिला करेगा। और इसी तरह आपको आई बटन एलोवेरा वाले पे भी मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आपको वहाँ भी आप देख सकते हो, ओके। तो इसमें क्रोमियम पिकोनेट होता है जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो हमारे अंदर ब्लड शुगर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बहुत सी स्टडीज हुई हैं, बहुत सी रिसर्च हुई है सिमिलर इस पर भी, तो इसमें भी पाया गया जो पर्सन क्रोमियम सप्लीमेंट्स की डाइट कंज्यूम करते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में डायबिटिक पेशेंट को। तो ये क्रोमियम आप ले सकते हैं, गार्सिनिया प्लस ले सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो आर्कटिक सी होता है। आर्कटिक सी आप कंज्यूम कर सकते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट आर्कटिक सी ओमेगा 3 डाइट हमें प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऑलिव ऑयल का ब्लेंड है इसके अंदर, ओमेगा 3 का ब्लेंड करके एक सप्लीमेंट बनाया जो बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड है। आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, इसके बारे में जानना है पूरे डिटेल में, वीडियो चाहिए आपको तो मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर जाके इसके बारे में अच्छे से जानो, इसके डिटेल्स को कैसे कंज्यूम करना है। और आर्कटिक सी मरकरी फ्री है, पॉल्यूशन के 2 बाय प्रोडक्ट लेड और मरकरी, मरकरी इसमें नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, आई बटन पे जो आपको लिंक है उसके अंदर सारी डिटेलिंग बताई जाएगी आपको। थर्ड प्रोडक्ट जो आप ये कंज्यूम कर सकते हैं आर्कटिक सी, इसकी खूबियां आपके साथ मैं शेयर करूं। आर्कटिक सी की बहुत मार्वलस प्रोडक्ट है, सबसे पहले ये लो करने में हेल्प करता है टाइप 2 पेशेंट में ग्लिसराइड लेवल को। ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या होता है, एक तरह से हमारे खून में फैट को कम, फैट हो जाता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में फैट पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या होता है, अनयूज्ड कैलोरीज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ती है उसको रिलीज करता है,
ठीक है। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड लेवल का बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी आर्टरीज को मजबूत करता है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे अंदर पैदा करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत लाता है। और दूसरा हमारे अंदर जो ओमेगा 3 खाने से, कैप्सूल्स लेने से, ये वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कमी को खत्म करता है ओमेगा 6 ही हमारे अंदर। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हम जो बंदे मोटे होते हैं, ऑब्सीज होते हैं ना, जिनको जो बाहर का बहुत खाते हैं तला, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आर्टरीज होती हैं वो इंसुलिन मिलने की जगह नहीं मिलती, निकलने की जगह नहीं मिलती। ओके, लास्ट में बोलूंगा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपका, लास्ट नहीं, ये सबसे मेन चीज़ होगी आपके लिए एक्सरसाइज। हम ना इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को कि यार ये भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कभी भी एक्सरसाइज करना ना छोड़े, क्योंकि ये रिसर्च में पाया गया कि एक्सरसाइज करने से हजारों बीमारियां, जितनी मेडिसिन भी नहीं बनी जिन बीमारियों के लिए, वो बीमारियां भी एक्सरसाइज से खत्म हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ में चाहे 5 मिनट दिन के करें, चाहे 15 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें रोजाना, लेकिन करें जरूर, क्योंकि हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है, जो हमारी कैलोरीज जमा हो रही है, वो एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बर्न होती है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलता है हमें एक्सरसाइज करने से। तो कभी भी अपनी लाइफ से एक्सरसाइज को ना रिमूव करो, ठीक है ना। ऑल्दो टाइम मैनेज कर सकते हैं आप एक्सरसाइज करने से। पहला प्रोडक्ट जो हमारा आता है इसके अंदर, एलोवेरा जेल आता है। एलोवेरा जेल के अंदर हमें को एलोवेरा की खूबियां मिलती है, जो मैंने आपको 3 बताई है आपको, ठीक है ना, वो हमें सारी इसके अंदर खूबियां देखने में मिलती है। कैसे कंज्यूम करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट आपको गार्सिनिया प्लस मिलता है। गार्सिनिया प्लस आपको क्रोमियम पिकलोनेट के साथ मिलता है। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर साथ साथ दबा दीजिएगा। ओके, आर्टिक सी हमें दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इसमें हमें ओमेगा 3 की खूबियां मिलती हैं, इसके बारे में भी जानना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कैसे कंज्यूम करना सारा आपको बताया जाएगा उसके अंदर। और एक्सरसाइज जो मैंने आपको बोला, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एक्सरसाइज हमें बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती है, सारे ले तो रहे होगी, हमारी न्यूट्रिशंस हमें डिफरेंट, कोई दवाइयाँ नहीं है ये आपके लिए, ठीक है, न्यूट्रिशंस का रोल अदा करती हैं ये आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों को लो और सारी चीज़ों को कंज्यूम करके आपको हेल्प कर सकती है एक शुगर पेशेंट को थोड़ा सा क्योर करने में, और किसी की प्रिजर्वेंस में अंडरस्टैंडिंग में जरूर है। और वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।